हेलो वेलकम फ्रेंड्स, डेटाबेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है डेटाबेस को लेकर के। यहां पर देख सकते हैं एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं हम। एट्रीब्यूट क्या होता है डेटाबेस में? तो जो एट्रीब्यूट है रेफर्स टू अ कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस, यानी डेटाबेस की एक पार्ट की तरह, एक हिस्से की तरह होता है ये एट्रीब्यूट। कैसे होता है मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। पहले इसका डेफिनेशन एक बार समझ लेते हैं। मीन्स एज अ टेबल इन डेटाबेस, मतलब कोई टेबल अगर आप बनाते हैं तो वो टेबल के जैसा ही होता है, लेकिन होता क्या है? तो नीचे देखिए ये लिखा हुआ है अ डेटाबेस एट्रीब्यूट इज अ कॉलम, यानी कि जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो जो कॉलम्स होते हैं, देखिए रो एक अलग मैटर है लेकिन कॉलम एक अलग मैटर हो जाता है। तो जो कॉलम्स है उनको आप एट्रीब्यूट कह सकते हो, ठीक है? कॉलम्स को आप क्या कह सकते हो? एट्रीब्यूट कह सकते हो। तो चलिए ये इसको समझते हैं, इसको कैसे क्रिएट किया जाएगा। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 पहले ओपन किया है, यहीं पर हम काम करने वाले हैं। यहाँ पर आपको व्यू दिखाई पड़ रहा होगा, ये व्यू दिखाई दे रहा है नहीं, तो बस इसी व्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। ये ऑफिस 365 है और यहाँ पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से डिजाइन व्यू पे आता हूँ और यहाँ से क्लिक कर देता हूँ ओके पर। नाम बाय डिफॉल्ट टेबल वन ही है। अब ये जो है प्राइमरी की है, इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है? ये लिख दिया मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट। तो ये हमने दो कॉलम्स बनाए हुए हैं, अभी आप देखेंगे। यहाँ पर डेटा टाइप चूज कर लेता हूँ, ये देखा ये हो गया, यहाँ से ओके करके। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दो कॉलम बने हुए, एक तो आईडी की कॉलम है, दूसरी किसकी कॉलम है? दूसरी कॉलम है हमारी नेम ऑफ स्टूडेंट की। तो यहाँ पर पहले स्टूडेंट का नाम लिखा, फिर यहाँ दूसरे स्टूडेंट का नाम लिखा, फिर तीसरे स्टूडेंट का नाम लिखूंगा। तो इसी तरीके से करते हुए हम चले जाएंगे और हमारे पास एट्रीब्यूट दिखाई। एट्रीब्यूट क्या होता है? कॉलम को बोलते हैं। ये जो कॉलम है ना, दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, ठीक है? रो को नहीं बोलते, ये रो है, तो रो को नहीं एट्रीब्यूट बोलेंगे। डेटाबेस के अंदर कॉलम्स को एट्रीब्यूट बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कॉलम्स के अंदर एट्रीब्यूट जो है कॉलम्स को ही बोलते हैं। समझ में आ रही बात? तो इसी को एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए टपल की बात कर ली जाए। जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट तो समझ में आ गया, टपल क्या होता है? तो देखिए जो रो होता है ना, यहाँ पर डेटाबेस में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर रोज भी बने होंगे। तो अभी रिलेशनल बात करेंगे हम, रिलेशन वाली बात करेंगे। तो यहाँ टेबल वन एक टेबल है, ठीक है, जिसमें आईडी है और एक नेम ऑफ स्टूडेंट है। तो यहाँ पर चल करके हम एक और टेबल बनाते हैं। यहाँ पे टेबल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम दूसरा टेबल बनाएंगे। टेबल टू ही नाम रहने देते हैं, यहाँ पर आईडी आ रहा है, यहाँ पर चेंज कर देते हैं हम, यहाँ पे कुछ और रख देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं रख देता हूँ नंबर, एन यू एम बी ई आर, ये नंबर रख दिया हमने। और नंबर रखने के बाद इसको ऑटो नंबर नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम चेंज कर देंगे शॉर्ट टेक्स्ट में। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम दे देंगे वो फील्ड जो कि कॉमन होगी, यानी कि आईडी नाम की जो फील्ड थी वो यहाँ पर भी हमें दे देनी है, ठीक है? तो ये हो गया आईडी। अब यहाँ पर और भी कुछ आप दे सकते हैं चाहे तो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ। ये देखेंगे ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे नंबर में हम डाल सकते हैं कुछ भी, लाइक 11 डाल दिया हमने, यहाँ पर आईडी बन रहेगी। यहाँ पर 12 कर देता हूँ, यहाँ पर आईडी 2 रहेगी, क्योंकि ये तो वही रहेगा ना। रिलेशनशिप की बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुका हूँ, ये तो वही रहेगा जो टेबल वन में है। तो आईडी जो टेबल वन में है वही चीज आपको आईडी में डालनी है। तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये कर दिया हमने, यहाँ पर 3 कर देते हैं। अब इसको सेव कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ से सेव कर दिया हमने। सेव करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए, ये क्लोज किया, इसको भी क्लोज कर सकते हैं सेव करके, ठीक है? तो ये भी क्लोज हो गया। अब हमें सीधा सीधा डेटाबेस टूल्स पे जाना है और यहाँ से आ जाना है रिलेशनशिप पे। जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे टेबल वन और टू हमें दोनों ही मिलता है। तो यहाँ से आप जिसको भी लाना चाहे यहाँ पे ड्रैग करके लेके आ सकते हैं। तो ये दोनों ही टेबल हम लेके आ गए यहाँ पे ड्रैग करके। अब हमें क्या करना है, ये जो आईडी है ना, इसका रिलेशनशिप इस आईडी से क्रिएट कराना है। ये आईडी से ये हो गया रिलेशनशिप क्रिएट, वन टू मेनी रिलेशनशिप ये क्रिएट हुआ, देख सकते हैं, ठीक है? रिलेशनशिप है। अब हम टेबल वन पे चलते हैं तो यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा, ये देखिए सिंगल जो रो होती है, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं रिलेशनल सिंगल रो होती है। देखिए इस वाले का रिलेशनशिप इससे क्रिएटेड है, यानी कि जो आईडी वन है जिसका नाम रितेश है, जिसका नंबर 11 है, उसकी बात की जा रही है। तो यानी कि सिंगल रो, ये देख रहे हैं ये सिंगल रो है, ये पूरी जो है सिंगल रो है, ठीक है? तो ये जो रो है यही कहलाता है आपका टपल। सिंगल रो की बात करेंगे हम जब भी करेंगे। तो यहां पर देखिए डेफिनेशन में भी दिया हुआ है, इन रिलेशनल डेटाबेस अ टपल इज वन रिकॉर्ड वन रो, ठीक है? समझ में आ रही है बात? ओके चलिए, ठीक है।